Welcome to another day, another vlog. और आज हमारे स्पोर्ट्स वीक का है डे 3। तो अभी मैं अपने डिपार्टमेंट नहीं गई हूँ और टाइम हो रहा है 8:08 और मैं जा रही हूँ अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में वॉलंटियर के अटेंडेंस लगवाने। तो मैंने सोचा आज का व्लॉग हम आज सुबह सुबह से स्टार्ट करते हैं जैसे ही मैं यूनिवर्सिटी पहुँची हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ और अटेंडेंस लगवाते हैं, फिर हम अपने डिपार्ट जाएंगे और वहीं पर सारे हमारे फ्रेंड्स वगैरह होंगे तो उनसे मिलेंगे। और फिर 9:30 हमारा DPT की गर्ल्स का बैडमिंटन का आज मैच है नर्सिंग के साथ। अच्छा तो भाई मैं डिपार्टमेंट आ चुकी हूँ और मेरी दोस्ती भी फाइनली डिपार्टमेंट में मौजूद है। अभी हम लोग जाते हैं क्लास में और पहले अपने अटेंडेंस लगवाते हैं। बैच 3 की क्लास में आज आज मैं शर्ट में स्टाइल 9:30 मैच है ना। अच्छा तो हम लोग अटेंडेंस अपनी क्लास की लगा के बाहर आ चुके हैं और अब मैं मूवी हॉल जा रही हूँ क्योंकि हमारा जो मैच था वो हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि 9:30 से वो 9:15 पर शिफ्ट हो गया है और अभी 9:14 हो रहा है। एक मिनट में हम लोग जल्दी जल्दी से मूवी हॉल जा रहे हैं और पहले 2 राउंड जो है सीनियर खेलेंगी, फिर मेरी बारी आएगी। तो लाइट्स पूरी विंडो खोलकर सुकून से हुडी वगैरह पहन के बैठा हुआ है, मैं पीछे बैठी आने वाला है। मैं पीछे फाइनली कहते हैं कि हमारा पॉइंट कहाँ का है, तो नॉर्दर्न बाईपास से लेकर आओ, चुंगी से लेकर आ रहा है यार, इतनी गंदी डस्ट होती है वहाँ पे। हम लोग जब भी उतरते गाइस, मैं तो नहीं, हमारा पॉइंट बहुत अच्छे साफ रोड से आता है लेकिन ये जो नॉर्थ की साइड पे रहते हैं वो लोग मट्टी से लदे हुए आते हैं। गाइस हमारी यूनिवर्सिटी कितनी अच्छी लग रही है, साफ साफ है ना, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत साफ है। बस ये रास्ता रास्ता बस अच्छा है तब गाड़ियों तब चलने में अच्छा नहीं है। अच्छा भाई तो कोर्ट में हम लोग मौजूद है और जिस टीम के साथ हमारा मैच था बैडमिंटन का वो टीम अभी तक नहीं आई है और सारे DPT के फाइनल्स और सेमीफाइनल्स ऑलमोस्ट आज के दिन है। अब फाइनली नर्सिंग की टीम आ गई है और अब हमारा बैडमिंटन का मैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से लोग आ रहे हैं तो मुझे अपनी ड्यूटी भी मिल गई है कि मुझे ध्यान रखने के शेड्यूल आउटसाइड जा रही है नहीं जा रही, उसके अलावा हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट पॉइंट्स के ऊपर कोई मसला हो गया गाइस, हाय कुछ मसले मसाइल हो गए जिसकी वजह से एक पॉइंट वैसे हम जीत सकते थे लेकिन एक पॉइंट उन्होंने नर्सिंग वालों को दे दिया। तो अब हम लोग सिंगल मैच से हार गए हैं, डबल मैच हो रहा है, डबल मैच में देखते हैं हम लोग जीतते हैं या हारते हैं। डबल का मैच हम लोग जीते हैं, अब एक सिंगल का हमारा फाइनल मैच रहता है और उसके बाद फिर हम लोग फाइनल से सिलेक्ट हो जाएंगे और फाइनल हमारा होगा फैमिली के साथ। शफ़त को थोड़ी लग गई थी तो हम अपने टीचर को बुला रहे हैं। शफ़त आराम से, जीत गए फाइनल यार, बहुत मजा आया। अब हम लोग फाइनल में पहुंच गए और फाइनल हमारा फैम के साथ है और फैम की काफी स्ट्रांग टीम है, खैर देखते हैं। अच्छा नर्सिंग के साथ बहुत मजे के सीन हुए, हमारे फड्डे भी हुए हैं और ये हुआ था कि वो लोग अपना एक सिंगल प्लेयर ही नहीं लेके आए थे हमारे, वो डबल में था। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि आप लोग या तो मैच जीत जाओ या फिर जो है ना हमारे जिसने सिंगल खेले थे उसको ही दो। हमने बोला कि हम लोग अलाउ नहीं करेंगे आपको सिंगल खेलना ना, तो पता नहीं गलती से किसके मुंह से निकल गया कि शफक इंजर्ड हो गई है। तो फिर उन लोगों ने उस चीज़ का फायदा उठाया, उन लोगों ने अपने डबल में से एक प्लेयर दिया लेकिन फिर भी हम उसे फाइनली जीत गए। जा रहे हैं यहाँ हिकमा क्योंकि हमारी यहाँ पे ड्यूटी है, चलो जल्दी से चले। सुबह से 3 बार चक्कर लग चुके अभी, चीख चीख के मेरे फेफड़े बाहर आ गए। अंदर चल के आप लोगों को दिखाती हूँ क्या हो रहा है।
हिकमा आ चुका है। रहमान के नापाक इरादों को पाक में मिलाया तो कभी गाजी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या आपको जो बात करने का तरीका या सलीका है वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत काम आता है। आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, यूनिवर्सिटी में आप सारे प्रोफेशनल एजुकेशन लेते हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन का मतलब ही ये है कि आपने जाके माशरे को सर्व करना है। माशरे में सबसे पहले आपको बात करना आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो बोले तो बातों से भूल झड़ते हैं, ऐसा है तो चलो बात करके देखते हैं। तो जब तक आप बात करेंगे नहीं और आप मुंह खोलेंगे नहीं, बड़ा साइंस है जो हम इस्तेमाल नहीं करते अलग में, लेकिन कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि तब तक ये क्यूट है जब तक म्यूट है। डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन हमारे डिपार्टमेंट से आई है। अच्छा भाई, तो मूवी हॉल से हम लोग बाहर आ गए। जो फाइनल हमारा मैच था वो हम लोग हार गए। फैम जीत चुका है क्या डिक्लेमेशन में। हमारी डीपीटी फर्स्ट आई है सारी फैकल्टीज में से। हम लोग जा रहे हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड की तरफ और हमारी डीपीटी की गर्ल्स का सेमीफाइनल का मैच है। कौन सी किसके साथ है ये बता नहीं, किसके साथ जाएगी जाके देखते हैं हम किसके साथ है। फैम के साथ है। अच्छा तो भाई, हम डीपीटी की गर्ल्स ने 4 ओवर्स के अंदर 43 का टारगेट दिया लोगों को। अब देखते हैं फैम वाले 43 कवर कर पाते हैं नहीं कर पाते और लास्ट में कौन जीतता है, डीपीटी या फैम। सो गाइस, हमारी डीपीटी गर्ल्स ने बहुत अच्छा खेला लेकिन फैम जीत गई है। उन लोगों ने भी काफी अच्छा खेला। कह रहा था हमारी डीपीटी की गर्ल्स के बैक टू बैक मैचेस और सेमीफाइनल्स और फाइनल्स ये। सो देखते हैं कि क्या होता है अभी इनका। आधे घंटे बाद थ्रो बॉल स्टार्ट होने वाला है और प्लेयर्स हमारी ऑलमोस्ट सेम है क्रिकेट और बास्केटबॉल की। सो लेट्स सी, थकी हुई भी ये लोग आधे घंटे रेस्ट करेंगे, कुछ खाओ पियो जाके फिर स्टार्ट करते हैं थ्रो बॉल। अच्छा तो हम लोग अब क्रिकेट ग्राउंड से बाहर आ गए और हम लोग जा रहे हैं। हमारा सारा सामान हॉल में लगा रहे की तरह पड़ा हुआ है। सुबह से हम लोग सुबह से मैंने एक बार भी बैग को नहीं देखा है। अच्छा तो हम लोग अपना जा रहे हैं वॉलंटियर्स का लंच लेने के लिए। खाना वगैरह लेके हम लोग बैठ गए अपने ग्राउंड के अंदर और आगे बिरयानी आज की अच्छी यार करवा रही, बहुत अच्छी थी। मैंने घर जाके खाई करवा रही, बहुत मजे की थी बिरयानी इनकी, अच्छी होती यार। तो खाते हम लोग और फिर जाके हम लोग का थ्रो बॉल का मैच स्टार्ट होने वाला है और 2:30 बजे हमारा फुटबॉल भी स्टार्ट है गर्ल्स का। तो बस हम लोग खा पी के जल्दी से जाते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या होता है। तो ये चेयर टूटेगी या फिर हमारी सीनियर्स की हड्डियाँ, क्या टूटना चाहिए? यार मेरे फॉलोवर्स बढ़ा दो। ये अपनी प्रमोशन खुद करी, मैं वीडियो बना रही हूँ। क्या हो गया भाई? भाई मेरे फॉलोवर्स बढ़वा दे इनके नाम पे, सब मेरे को फॉलो कर ले। अरसल जे एफ 70 करना। अरे मम्मी सो जाओ ना भाई साहब, काम करते हैं कोर्ट फील्ड में एक बार ले जा के दिखा दो, जो जो रोटेशन है वो देख लेते जब सब चले अभी सबको दफान दो जैसे कह रही हूं सबके जाने के बाद। हां फाइनल 7 क्योंकि हमने कोर्ट अभी तक इस तरह नहीं खेला है। 1000 से ऊपर हो जाएंगे ना, ऐसे नहीं है, चेक कर लो। देख नहीं रहा प्लीज इनको आप फॉलो कर लें। बात जो मेरे साथ सीन हो रहा है ना, खाने को कोई ब्लॉगिंग नहीं करता, मेरा हर घर सारा चैनल है पता। इंटरव्यू कहाँ करवाने हैं आपकी? कोई स्पेशलिटी के लोग आपको फॉलो करे? मैं क्रिकेटर हूँ और भी बोलो, कोच की है। नहीं क्रिकेटर बता रहा हूँ। अच्छा भाई, टाइम हो गया 4:15 और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारा थ्रो बॉल की गर्ल्स का मैच हो, लेकिन क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो हम लोगों ने वाइंड अप करके उसको कल पे शिफ्ट कर दिया है। तो अब हमारी गर्ल्स का कल होगा मैच थ्रो बॉल का फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल।
तो कल मिलते हैं और आज का ब्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।